Now I'm taking how we apply the results in our questions. कैसे हम रिजल्ट को अप्लाई करेंगे, पहले रिजल्ट को लर्न करते हैं, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं एग्जांपल लेके अपनी तरफ से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये फर्स्ट रिजल्ट लेता हूँ जिसमें डिफरेंशिएशन बिहेव्स लाइक एन ऑपरेटर. जैसे मेरे पास सपोज करो एफ एक्स है प्लस माइनस जी एक्स है और आई एम टेकिंग अनदर फंक्शन आल्सो प्लस माइनस एच एक्स. तो जब भी मुझे ऐसे कोई डेरिवेटिव लेना है तो मैं अलग अलग डेरिवेटिव राइट करूँगा, पहले फर्स्ट टर्म का, अगर प्लस है प्लस डाल दो बेटे, माइनस है माइनस, देन टेक द डेरिवेटिव द सेकंड टर्म आल्सो एंड इन द सेम वे प्लस माइनस डी बाई डी एच ऑफ एच एक्स. ये ऐसे हम इसको अप्लाई करेंगे और जस्ट डी बाई डी एच मान लीजिए कहीं पर कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल है तो ये जिसके विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं ना इसको बोलते हैं वेरिएबल. डी बाई डी एक्स है तो एक्स वेरिएबल, अगर डी बाई डी टी है यहाँ तो टी 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 विल बी द वेरिएबल, डी बाई डी थीटा इज देयर थीटा इज नोन एज वेरिएबल. तो फिर मैं सी कॉन्स्टेंट को बाहर राइट कर लूँगा और डेरिवेटिव किसका राइट करूँगा, केवल वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एंड ये कुछ रिजल्ट 11th क्लास में तुम्हें मालूम है, जैसे मैंने वहाँ पहले भी यूज़ किया है, अगर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट करूँगा वन आएगा. जैसे डी बाई डी थीटा, अगर थीटा का ही फाइंड आउट करता हूँ तो ये वन वैल्यूज देगा. इसी तरीके से बेटे डी बाई डी वाई, अगर वाई का निकालूंगा तो इसकी वैल्यू वन आएगी. अगर कॉन्स्टेंट अकेला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट एवरीबॉडी नोज एक्सेप्ट दिस एक्स, एवरी टर्म वी ट्रीट एज कॉन्स्टेंट एंड इट्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू जीरो. अदरवाइज अनलेस ही हैज टू मेंशन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ दिस, otherwise we treat as a constant. So I will write d by dx alpha, alpha here I am taking constant so its derivative will be zero. In the same way d by dx of pi it is also zero, d by dx of log a here a is a constant quantity so its derivative will be equal to a zero. This is the first result which you have to remember. Now I am taking second result, result number 2. Result number 2, d by dx of fx whole raised to the power n. Here we have variable raised to the power constant. Please remember, x is the variable here और variable के ऊपर constant power है, केवल तभी इसको use करेंगे हम. कैसे result बोलता है हमें 11th में भी हमने discuss किया था, power n को नीचे उतारेंगे यहाँ equal to के साथ और f of x इसकी एक power ना बेटे कम कर दीजिएगा n minus 1. Then that write the derivative of the term which contains that power. फिर उस term का derivative write करो जिसके ऊपर ये power आई है. तो I will write in this way d by dx of fx also. This is my complete result formula. Just ऐसे ही मैं एक बार apply करूँगा इसमें d by dx of suppose करो x की power n है. तो कैसे write करूँगा, पहले power का n, x की power n minus 1. Then take the derivative of x also. x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, सो राइट हियर n x की पावर n माइनस 1 इनटू 1, इट विल बी माय आंसर. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज करो d by dx कोई बच्चा मेरे से पूछता है 2 माइनस 1 3x होल रेज़ टू द पावर 7/11. कैसे मैं इसको यूज करूंगा रिजल्ट को, 7/11 को नीचे उतार लिया आप यहां लिखिएगा और 2 माइनस 3x इसकी पावर कम कर लीजिएगा 7/11 माइनस 1. Now write the derivative of the term which contains that power. 2 minus 3x का derivative side में लिखेंगे. क्या answer आएगा ये? 7/11, 2 minus 3x, 11 LCM write करें. Simplify करने के बाद minus का 4/11. अब देखो यहाँ बीच में plus minus आया है. D by dx है. It behaves like an operator. तो अलग अलग derivative write करेगी. पहले 2 का राइट कर दीजिएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x. नाउ माय आंसर इज नथिंग बट 7/11 2 माइनस 3x रेज टू द पावर माइनस का 4/11 दैट यू नो 2 इज कांस्टेंट इज डेरिवेटिव विल बी 0 एंड 3 इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी वी हैव टेकन इट आउटसाइड. इसको बाहर राइट करूंगा मैं. अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड एवरीबॉडी नो इट इज 1 सो माय आंसर इज 7/11 2 माइनस 3x माइनस 4/11 इंटू में माइनस 3. इस पावर को नेगेटिव को नीचे लेके पॉजिटिव भी राइट कर सकते हैं, ये भी आंसर छोड़ा जा सकता है. 11 2 माइनस 3x की होल पावर 4/11 इंटू माइनस 3.
2 minus 21 divided by 11, 2 minus 3x की पावर 4 by 11. Your first result, whenever we have variable ratio of power constant, either here I am taking this algebraic expression or trigonometry, what sort of question you have? जैसे example 2 में अगर मैं बात करूं, d by dx suppose करो sin है यहाँ, और ये whole power मेरे को किसी ने given है p, तो कैसे पहले power का derivative write करना, केवल उसी को discuss करेंगे, p नीचे उतारे, sin x, इसकी power p minus 1, then write the derivative of that term which contains that power, sin x का side में लिख दूंगा, अभी मुझे मालूम नहीं है, जैसे discuss करेंगे next lecture में, तो उसको I will write here. तो कैसे हम पावर का सबसे पहले डेरिवेटिव राइट करते हैं ये आप समझिएगा आराम